अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कि जो पेपर हुए हैं या जो आपके पेपर होने वाले हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, थर्ड से हैं या फिर फिफ्थ से हैं, तो इन तीन सेमेस्टर का जो है ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि जो हमारे पेपर हैं वो क्या आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, हम कैसे अपनी जो है एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करें कि हमारे मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। तो सबसे पहले, मेरा नाम ज़ीशान हुसैन है और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अल्लाह पाक जो है वो आपको आपके उम्मीद से भी ज़्यादा नंबर दे, आमीन आमीन आमीन। आपके ऊपर आपके वालदैन का साया सलामत रखे, आमीन। तो सबसे पहले ये कि ये जो जिन सेवन सेमेस्टर के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपर हो चुके हैं, ठीक है, उनके पेपर्स हो चुके हैं, या फिर जो है वो एक पेपर रहता होगा कुछ डिपार्टमेंट्स का, तो वो भी आज कंडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं, ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आए। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता भी देता हूँ, जैसे बीएस फिजिक्स है, बीएस फिजिक्स में स्टूडेंट्स के जो है वो क्लेम था कि हमारे जो आउटलाइन से पेपर बहुत कम आया है, ठीक है। अगर हम बात करें बीएस सीएस, तो उनका भी यही क्वेश्चंस था, तो जो उनका फ्राइडे वाले दिन पेपर हुआ है, ठीक है, उस दिन भी उनका यही जो है वो क्लेम था कि हमारे जो पेपर हैं वो सारे का सारा आउट ऑफ सिलेबस आया है, ठीक है, आउटलाइन से नहीं आया। और कुछ डिपार्टमेंट्स को तो फुल बाय फुल ही आउटलाइन से आ गए हैं, फुल बाय फुल, जैसे बीएस केमिस्ट्री हो गया, बीएस हिस्ट्री हो गया, बीएस आईएएस हो गया, यानी बीएस इस्लामियात हो गया, इनका जो पेपर है वो सेम टू सेम आउटलाइन से ही आया है। तो अब बात ये है कि आपका पेपर जो है वो आउट, ये तो नहीं हम कह सकते कि भाई आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस आएगा या सारे का सारा जो है वो आउटलाइन से ही आएगा, लेकिन एक हल इसका ये है कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपके मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट जो ट्रिक ये है कि आपको जैसे कि पता है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं उनको थोड़ा गाइडलाइन होती है, तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आउटलाइन उनके पास लेके जाएं या उन पे मोबाइल एसएमएस या किसी भी मीडिया के ज़रिए उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनको आउटलाइन से बताएँ कि ये कौन ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनमें हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, ठीक है, जो कि उस आउटलाइन की जान होंगे, उन आउटलाइंस की जो टॉपिक्स वो बताएं, उन टॉपिक्स के रिलेटेड, ठीक है, उन टॉपिक्स के रिलेटेड आउट ऑफ कोर्स और उनके रिलेटेड जितने भी उनके सराउंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, उनका आइडिया लें। कम से कम अगर आपको आइडिया होगा तो आप पेपर में कुछ ना कुछ लिख सकेंगे, लेकिन कभी भी अपना पेपर खाली ना छोड़ें, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, जो भी आता है कुछ भी उसके रिलेटेड कुछ भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है तो भाई लिख दें, मैं आपको ज़रूर कहूँगा लिख दें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा जी, अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा है तो क्या पता वो कुछ ना कुछ आपको नंबर दे दे, तो एग्जामिनर 99% नंबर दे देते हैं कुछ ना कुछ, अगर आपने कुछ लिखा है। अगर क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो आपको नंबर कहाँ से आएंगे, कुछ लिखेंगे तो नंबर आएंगे ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पे 9th और 10th के वीडियो लेक्चर और जिस यूनिवर्सिटी के लिए तो जितने भी पेपर्स नोटिफिकेशंस या उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है बर वक्त शेयर की जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखें।